प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद परेड, नई सड़क और यतीम खाना समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। जुम्मे की नमाज के बाद दो समुदाय के सदस्य आमने सामने आ गए और उन्होंने एक दूसरे पर ईंटों से पथराव किया। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि हालात को कंट्रोल कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर साहब को लेकर एक बयान दिया गया था। टीवी चैनल के दौरान दिए गए उनके उस बयान को विवादित बताया गया है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर निकले और यतीमखाना इलाके के सभी दुकानें बंद करवाने लगे। दूसरे समुदाय के दुकानदारों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद कहा सुनी हुई और देखते ही देखते विवाद पथराव में बदल गया। अब तक 3 रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, इसमें से 2 रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कराई है। पुलिस ने अभी तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है और इस हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हशमी अभी फरार बताया जा रहा है। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था को कहना है कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ही पुलिस ऑफिसरों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय कुमार मीना ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनके घर बुलडोजर भी चलाया जाएगा।